डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागतम है। मैं विनोद सर फिर से आपके लिए एक धमाकेदार एपिसोड सीरीज लेकर हाजिर हूँ। आई होप आपको अच्छे से सीरीज का आनंद आ रहा होगा। डे बाय डे सीरीज की क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है और आई होप कि आप जो सीरीज आपके तक जो सीरीज हमारे चैनल के थ्रू पहुँच रही है आप उनको डे बाय डे कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चे इस सीरीज को डे बाय डे कंप्लीट करना क्योंकि इन सीरीज के अंदर वो रामबाण नोट्स छुपे हुए हैं जो आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो जो भी सीरीज आ रही है आपके पास, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से आ रही है या हमारे जीनियर नर्सिंग अकेडमी के चैनल के माध्यम से आ रही है, आप उन हर सीरीज को अच्छे से रिवीजन करना है बच्चे, अच्छे से हर कंटेंट को क्लियर करके आगे चलना है क्योंकि बिना कंटेंट क्लियर किए आप वो एग्जाम को फाइट नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी यही रहती है कि दो चार बार अटेम्प्ट किया, अरे नहीं मेरे तो बस की बात नहीं है, मेरे से तो नौकरी नहीं लगा जाएगा। बच्चे याद रखना, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और सफलता का एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। ठीक है ना, अभी आप उस समंदर के बीच में खड़े हो जहां से वापिस जाओगे तो उतना ही टाइम लगेगा और अगर समुद्र को क्रॉस करोगे उतना ही टाइम मिलेगा। वापिस जाओगे तो वही आपका पुराना दोस्त, पुराना घर वही मिलेगा। अगर क्रॉस कर गए तो समुद्र को क्रॉस किया, इट मींस आप अच्छे गोल की तरफ बढ़ रहे हो, आपको जॉब मिलेगी, नए फ्रेंड मिलेंगे और आपकी नई लाइफ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से मेहनत करो। डाटा देने में जीनियर नर्सिंग एकेडमी कोई भी कतई भी कसर नहीं छोड़ेगी। डे बाय डे हम सीरीज की क्वांटिटी है वो बढ़ा देंगे, आपसे कल से आपको सीरीज की क्वांटिटी और बढ़ा देंगे। आप पढ़ने वाले बनिए, हमें और सीरीज चाहिए तो आप अपना फीडबैक है जो हमारे स्क्रीन के ऊपर विजुलाइज नंबर है उस पर दे सकते हैं। क्वांटिटी और चाहिए और बढ़ा देंगे। और अगर आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ना है और डिटेल में और पढ़ना है आपको बच्चे, तो यहाँ पे भी आपको मैं बता देता हूँ, हमारा ऐप है उसके ऊपर आपको ऑल ओवर डाटा मिल जाएगा। ठीक है, 15 रुपए के अंदर जो आपको ये सीरीज मिल रही है ये आपको यूट्यूब पे फ्री है, ऐप के ऊपर इसको पीडीएफ भी मिलेगी 15 रुपए में। बच्चे 299 रुपए में हमारी अर्जुन सीरीज चल रही है जिसको आप परचेज करके जितने भी आपके प्रैक्टिकल बेसिक एग्जाम है लाइक एमनेस, एम्स, नोरसेट, उसके अंदर आपकी काफी मददगार हेल्प मिलेगी। और 499 के अंदर बच्चे हमारा जो ऐप है जिसका नाम है गुरुकुल ऐप, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके वहां से लिंक का वो परचेज कर सकते हैं या स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको विजुलाइज हो रहे हैं उससे उस नंबर पे आप कॉमेंट करके ऐप का लिंक भी मंगा सकते हैं। गुरुकुल बैच के ऊपर आपको अर्जुन और जो फॉक्स सीरीज है वो फ्री मिलेगी बच्चे, ऑल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और थ्योरी टोटली कंप्लीट मिलेगी विद एमसीक्यू। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक के ऊपर अपने फोकस करते हैं बच्चे। आज की क्लास का नई एपिसोड की पहली क्लास का पहला की पॉइंट है जो कि कंप्लीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है। द फास्ट टेक बुक ऑन साइकेट्री रिटन इन अमेरिका बाई बेंजामिन रस सो कॉल्ड फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री आपको ऑप्शन के अंदर बच्चे मिलेगा बेंजामिन रस, और बेंजामिन रस को अपने क्या बोलते हैं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा मेरे प्यारे लल्लो, फादर ऑफ साइकेट्री किसको बोला जाता है, आपको याद रखना फिलिप पाइनेल को फादर ऑफ साइकेट्री बोला जाता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री एंड राइट आंसर इज सिगमंड फ्रूड को अपने क्या बोलेंगे बच्चे, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री बोलेंगे। इसके अलावा बच्चे यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी तो आपको बोलना है लेडिस्लास, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम के अंदर आया, फर्स्ट साइकेट्री नर्स तो लिंडा रिचर्ड,
लिंडा रिचार्ड को अपने क्या बोलते हैं बच्चे, फर्स्ट साइकेट्री नर्स के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट ऑफिशियल एनास्थेटिक नर्स, फर्स्ट ऑफिशियल एनास्टिक नर्स सिस्टर मेरी बर्नार्ड, सिस्टर मेरी बर्नार्ड को अपने नॉर्मली बोलते हैं। इसके अलावा बच्चे ईयर ड्रॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो कंप्लीट एग्जाम के अंदर काफी बार देखने को मिला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। बात करें एमएनएस की, बात करें एसएससी की, बात करें अपने डीएसएसबी की, बात करें चाहे एम्स नॉर्थ स्टेट की, यहां से लाजमी क्वेश्चन है वो निकला हुआ है। तो इंस्टिलेंस ईयर ड्रॉप्स टू इन अडल्ट, ठीक है बच्चे, इंसुलिन ईयर ड्रॉप्स इन टू अडल्ट अपने पूछे, अडल्ट के अंदर ईयर ड्रॉप्स डालते हैं तो ईयर पिन्ना को कैसे करते हैं, अपवर्ड करते हैं, डाउनवर्ड करते हैं या बैकवर्ड करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी किसी अडल्ट पर्सन के ईयर ड्रॉप्स में आप उसके ईयर में डाल रहे हो तो ईयर पिन्ना को कैसे करोगे, अपवर्ड और बैकवर्ड करोगे, डाउनवर्ड या बैकवर्ड करोगे, या अपवर्ड या बैकवर्ड करोगे। तो यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा अडल्ट के वाले में बच्चे, अपवर्ड, सबसे पहले ईयर पिन्ना को अपवर्ड करेंगे, देन क्या करेंगे बच्चे, बैकवर्ड करेंगे। और ये क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम के अंदर काफी बार आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इंस्टिलिंग ईयर ड्रॉप्स इन टू चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन के अंदर आप ईयर ड्रॉप्स डाल रहे हो तो ईयर पिन्ना को क्या करोगे, डाउनवर्ड और बैकवर्ड करोगे बच्चे, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। अडल्ट बड़ा होता है इट मींस अप, और बच्चा छोटा होता है इसका मतलब है डाउन, और दोनों के आगे क्या लग जाता है, बैकवर्ड लगता है बच्चे, रट्टा नहीं मारना, समझना है। होल्ड ड्रॉपर, कितनी ऊंचाई पे ड्रॉपर करते हो आप, 6 mm अबो ईयर केनाल, ईयर केनाल से 6 mm अबो आप ड्रॉप्स को रखोगे। स्टे इन पोजीशन, स्टे इन दिस पोजीशन, आपने ईयर ड्रॉप्स डाल दी तो 1 से 2 मिनट तक उसी पोजीशन के अंदर पेशेंट को रखेंगे, मोस्टली साइडलाइन पोजीशन के अंदर अपने ईयर ड्रॉप्स है वो इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा बच्चे एक क्वेश्चन है वो काफी बार खलबली मचा चुका है, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है बच्चे, 1 दिसंबर को मनाते हैं। और एड्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है, एपिसोड सीरीज देख लेना बच्चे, एपिसोड सीरीज के अंदर एड्स और एचआईवी, ठीक है, इनसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं या इनके मेडिसिन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर, डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर कहां पे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बोलना है जेनेवा स्विट्जरलैंड। दूसरा पूछा जाता है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे होता है, न्यूयॉर्क बच्चे यूएसए। एफएओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है, तो आपको बोलना है रोम इटली के अंदर। इसके अलावा बच्चे यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉमेटी रेड क्रॉस सोसाइटी हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आपको याद रख लेना है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडर किसको बोलते हैं बच्चे, हेनरी ड्यूनेट को बोलते हैं, और ये भी क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम के अंदर आ चुका है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंडर है बच्चे 1920 में हुई थी, ठीक है, 1920 के अंदर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो फाउंडेड हुई थी, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो बच्चे न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफर्ट डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स, फुट ड्रॉप्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी कंफर्ट डिवाइस का यूज करते हैं, तो आपका आंसर जाएगा फुटबोर्ड, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट एल्सो नोन एज, तो उसको अपने एप्सोम साल्ट के नाम से बच्चे जानते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा देखें बच्चे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल इंक्रीज और डिक्रीज कौन कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाटा है बच्चे, यहां से भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आइए अपने इसके बारे में देख लेते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं, अपने डोपामिन के बारे में पढ़ेंगे, सीरोटोनिन जिसको अपने 5-HT के नाम से जानते हैं, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन के नाम से जानते हैं,
थर्ड एडेनालिन एंड नोरएडेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ेंगे, और फोर्थ वन एसिटाइल और फिफ्थ वन गाबा, और गाबा की फुल फॉर्म भी कंप्लीट एग्जाम के अंदर आ चुकी है बच्चे, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड जिसको अपने बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जितने न्यूरोट्रांसमीटर अपने पांच टाइप के जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, फाइव टाइप के जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है वो इंक्रीज होता है और कौन से का लेवल है वो डिक्रीज होता है, रिलेटेड टू डिजीज पूछा जाता है भी, कौन कौन सी डिजीज के अंदर इनका लेवल इंक्रीज होता है, कौन सी डिजीज में डिक्रीज होता है। तो आइए जानते हैं, फास्ट वन न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चे डोपामाइन, ठीक है, चेंज देखे इंक्रीज लेवल देखने को मिलता है बच्चे सिजोफ्रेनिया, क्वेश्चन बन गया है कि डोपामिन का लेवल कौन सी डिजीज में इंक्रीज होता है या सिजोफ्रेनिया में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इंक्रीज होता है, डोपामिन, और डोपामिन का लेवल डिक्रीज होता है पार्किंसोनिज्म, और ये क्वेश्चन बन गया है बच्चे भी पार्किंसोनिज्म के अंदर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है वो डिक्रीज होता है। बात करें सीरोटिन 5-HT की तो यहाँ पे मेनिया, मेनिया के अंदर सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है, अगेन क्वेश्चन आपका बन गया बच्चे मेनिया के अंदर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इंक्रीज होता है, तो आपको बोलना है सीरोटिन, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रेशन, और डिप्रेशन के अंदर सीरोटोनिन का लेवल है वो डिक्रीज होता है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं भी डिप्रेशन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चे क्वेश्चन है एड्रेनालिन एंड नोरएड्रेनालिन, ठीक है, तो यहाँ पे इनका लेवल डिक्रीज देखने को मिलता है डिप्रेशन, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्लीप एंड ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन का लेवल है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चे एसिटाइल कोलिन है, और यहाँ पे पार्किसन डिजीज, और इक्वेशन बन गया है भी पार्किसोनिज्म के अंदर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इंक्रीज होता है, तो एसिटाइल कोलिन, डिमेंशिया, डिमेंशिया वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल है डिमेंशिया में डिक्रीज होता है, तो एसिटाइल कोलिन। और नेक्स्ट है जो न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चे गाबा, और गाबा का लेवल डिक्रीज होता है, और गाबा की फुल फॉर्म वो कंपिटेटिव एग्जाम के अंदर बच्चे पूछी जाती है, याद रख लेना, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ है गाबा, और गाबा का लेवल डिक्रीज देखने को मिलता है एंजाइटी डिसऑर्डर एंड मेंटल रिटार्डेशन वाले जो पर्सन होते हैं उसमें गाबा का लेवल क्या देखने को मिलता है बच्चे, लेवल डिक्रीज देखने को मिलता है। इसके अलावा ट्राइज सिस्टम है, और ट्राइज सिस्टम से भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाटा यहां से निकलता है बच्चे, ट्राइज से भी क्वेश्चन है वो डेफिनेटली देखने को मिला एग्जाम के अंदर है, और अपने यहां पे इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन है वो क्लियर करेंगे। तो ट्राइज के अंदर बच्चे देखें कलर कोडिंग दी जाती है, कलर कोडिंग दी जाती है किसके अंदर है, ट्राइज के अंदर, मतलब जहां पे फ्लड आ गई है, ठीक है, फ्लड आ गई है, कहीं पे भूकंप आ गया है, उस कंडीशन के अंदर बच्चे ट्राइज यहाँ पे देखने को मिलता है, और ट्राइज के अंदर कलर कोडिंग अब दी जाती है, रेड कलर है दिया जाता है इमरजेंसी केसेस, जितने भी जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन से कलर का यूज करेंगे, रेड कलर, अर्जेंट केस होता है उनको अपने येलो कलर, और नॉन अर्जेंट केसेस होता है उनको ग्रीन कलर, और ब्लैक कलर है, ब्लैक वाला कलर एरिया है वहां पे डेथ जो पर्सन होता है उनको रखेंगे, ठीक है। तो चार कलर कोडिंग है, ट्राइज में पूछ सकते हैं, एक्सेप्ट बेस का भी क्वेश्चन यहां से निकल रहा है बच्चे, एक्सेप्ट बेस का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं भी, ट्राइज सिस्टम होता है उसमें कौन सा कलर कोडिंग यूज नहीं करते, ए आ गया रेड, बी डाल दिया येलो, सी डाल दिया ग्रीन, और डी डाल दिया ऑरेंज, तो वहां पे राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे, ऑरेंज, रेड कलर में इमरजेंसी केसेज है उनको रखेंगे, येलो जो कलर है ट्राइज का सिस्टम बनाया वहां पे अर्जेंट केस, ग्रीन वाला है नॉन अर्जेंट केस है, और ब्लैक वाला है वहां पे डेथ पर्सन को रखेंगे। नेक्स्ट है बच्चे इल्यूजन,
इल्यूजन क्या होता है अगर बात की जाए यहाँ पे, तो मिस परसेप्शन को अपने क्या बोलते हैं, इल्यूजन के नाम से नॉर्मली अपने जानते हैं। तो आइए, व्हाट इज द मीन ऑफ इल्यूजन, मिस परसेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे कि आपने देखा है, व्हाट इज द मीन ऑफ इल्यूजन है, अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो आपने कहीं रात को कहीं पे जा रहे हो और रास्ते के अंदर अगर रस्सी पड़ी हुई है, आपने रस्सी को क्या समझ लिया, सांप समझ लिया। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और वहां पे कहीं पे शेडो है, उस शेडो को आपने भूत समझ लिया, तो वो क्या है, आपका इल्यूजन है। वहां पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, वहां पे मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। आप रस्सी को सांप समझ रहे हो, जो शेडो है, डायरेक्ट शेडो है, उसको आप गोस्ट समझ रहे हो, भूत समझ रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। तो एग्जांपल देख लीजिए बच्चे, इल्यूजन का एग्जांपल देखें। फर्स्ट वन आता है यहाँ पे रोप। रोप इज ए मिस इंटरप्रिटेड एज स्नेक इन द डार्क, मतलब है अंधेरे के अंदर रस्सी को आपने सांप समझ लिया। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, यूअर सेल्फ डार्क शेडो विल मिस इंटरप्रिट एज ए गोस्ट, मतलब आपकी खुद की छाया या कहीं जो पेड़ पौधे उनकी छाया है, वो आपको अगर दिखे कि वहां पे आप उनकी जो शेडो है उसको आप क्या मान रहे हो, भूत मान रहे हो, तो वो आपका इल्यूजन है। वहां पे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, ना वहां पे सांप प्रेजेंट था, ना वहां पे भूत प्रेजेंट है, उसको अपने क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। और इल्यूजन हमेशा उस पर्सन को ज्यादा दिखता है जो ज्यादा किसी चीज से डरता है। इल्यूजन ओपन अकर ड्यू टू इंडिविजुअल फियर, जो पर्सनल फियर है या इमोशनल स्टेट इस टाइप की उसने सोचा हुआ है, या कोई नीड थी उस टाइप की, तो उसके अंदर इल्यूजन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चे, वो है इफ इल्यूजन बिकम फिक्स, अगर इल्यूजन है फिक्स हो जाता है, रस्सी को वो सांप ही समझता है, शेडो को अगर भूत ही समझता है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे कि वो पर्सन किससे सफर कर रहा है, डेल्यूजन से सफर कर रहा है। और ये डेल्यूजन की डेफिनेशन है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बच्चे आई हुई है। इफ इल्यूजन बिकम फिक्स, इट सेड टू बी डेल्यूजन। नेक्स्ट है बच्चे हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन है वो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। हेल्यूसिनेशन इमेजिनरी परसेप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, इट मींस फॉल्स इमेजरी सेंसरी परसेप्शन विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ए ड्रीम लाइक परसेप्शन ड्यूरिंग अवेकिंग। यहाँ पे हेल्यूसिनेशन के अंदर भी क्या होता है, इमेजिनरी, यहाँ पे जो पर्सन है सोचता रहता है भी उसको इस टाइप से दिख रहा है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ इल्यूजन मैं देखूं तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होती, बट यहाँ पे इमेजिनरी परसेप्शन है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार है टाइप ऑफ इल्यूजन के अंदर, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन या हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग, हियरिंग नॉइज विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इमेजिनरी परसेप्शन ऑफ वॉइस, इट इज द हॉलमार्क ऑफ साइकोटिक पर्सन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, यहाँ पे जो साइकेट्री पर्सन बोलेगा मेरे को कानों में आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या है बच्चे, वहां पे उसको साइकोटिक इलनेस है, कोई रियल में वहां से बोलेगा वहां से आवाज आ रही है, लेकिन अपने रियल में वहां पे देखेंगे तो कोई भी वहां पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इमेजिनरी वॉइस वहां पे प्रेजेंट नहीं है। विजुअल हेल्यूसिनेशन, जो एल्कोहलिक पर्सन होता है, जो दिन रात दारू पीता है, उस पर्सन के अंदर विजुअल हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है। वो कहेगा वहां पे मेरे को भूत दिख रहा है, वहां पे गोस्ट दिख रहा है, बट रियल के अंदर वहां पे कुछ भी नहीं होता है। इट मीन दैट इज सफरिंग फ्रॉम द हेल्यूसिनेशन। ठीक है, वो पर्सन किससे सफर कर रहा है, हेल्यूसिनेशन से सफर कर रहा है, विजुअल हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है। टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन के अंदर बात की जाए, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, पर्सन बोलेगा मेरे स्किन के ऊपर कुछ चल रहा है, लेकिन अगर वहां पे स्किन के ऊपर उसके देखेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन के नाम से अपने उसको जान सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन है, काफी डिटेल के अंदर आपको साइकेट्री के अंदर देखने को मिलेगा, टॉपिक यहां पे मेंशन कर दूंगा टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन बच्चे। इसके अलावा बच्चे नाम आता है पेटेंट डॉक्टर आर्टरियोसिस। ठीक है, पेटेंट डॉक्टर आर्टरियोसिस ये स्ट्रक्चर है इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बच्चे, इंट्रा यूट्राइन लाइफ की स्ट्रक्चर है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ की। ठीक है, आपने देखा होगा फीटल सर्कुलेशन आपने पढ़ा होगा, और फीटल सर्कुलेशन के अंदर अपने पेटेंट डॉक्टर आर्टरियोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां पे होता क्या है, जो पल्मरी आर्टरी और डिसेंडिंग अरोटा,
ठीक है बच्चे, क्योंकि फीटल के अंदर लंग्स को बाईपास करने के लिए, ये बच्चे के क्या है, बच्चे का हार्ट है बच्चे, क्या ये बच्चे का हार्ट है, और यहां पे बच्चे का क्या है, लंग्स है, दोनों साइड लंग्स है, जहां से क्या आ रही है, पल्मरी आर्टरी आ रही है। और आपको पता है पल्मरी आर्टरी कौन से चेम्बर से निकलती है, आपको पता है राइट वेंट्रिकल से पल्मरी आर्टरी निकलती है, ये पल्मरी आर्टरी आ रही है और ये आर्टरी जा रही है आगे कहाँ पे बच्चे, लंग्स के अंदर जा रही है, और यहां से नॉर्मली बाईपास इस साइड से, आपको पता है इस साइड से क्या निकलता है, अरोटा निकलता है, असेंडिंग अरोटा देन डिसेंडिंग अरोटा, इस एंगल से जाएगा, ठीक है। इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर है लंग्स को बाईपास करने के लिए, क्योंकि इंट्रायूटराइन लाइफ में बच्चे का लंग्स है वो माल फंक्शन होता है, लंग्स को मेच्यूरेशन के लिए ब्लड है ओनली वहां पे जाता है। तो यहाँ पे बाईप्रिक्शन पॉइंट का मतलब है, ये बाईप्रिक्शन पॉइंट है जहां पे राइट और लेफ्ट पल्मरी आर्टरी डिवाइड होती है, तो यहां पे क्या होता है, इस तरह से शंट बन जाता है और ये ब्लड इस तरह से आगे जाता है अब्डोमिनल रोटा, देन आगे जाके इस तरह से ब्रांच जाती है बच्चे नीचे फिमोरल आर्टरी, तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की जो ब्रांच होती है, जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है, यहां से आगे वापिस क्या हो जाती है बच्चे, क्या हो जाती है, कौन सी आर्टरी, अमलाइकल आर्टरी, अमलाइकल वेन, अमलाइकल आर्टरी होती है वो प्लेसेंटा तक ब्लड ले जाती है, कहां तक ब्लड ले जाती है, प्लेसेंटा तक। तो ये स्ट्रक्चर हो पूरी में फिटल सर्कुलेशन करवा दूंगा, बट यहां पे पहला आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है पेटेंट डक्टरी आर्टरियोसिस क्या होता है, इसमें इंट्राउटराइन लाइफ के अंदर कौन कौन सी आर्टरी का संगम होता है, याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, पल्मरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग रोटा के बीच में जो संगम होता है इंट्राउटराइन लाइफ के अंदर, उसको पेटेंट डक्टर आर्टरियोस के नाम से जानते हैं। डिलीवरी के बाद, नॉर्मली डिलीवरी के बाद पेटेंट डक्टर आर्टरियोसिस होता है वो क्लोज होता है, फंक्शन क्लोज एंड एनाटॉमिकल क्लोज, दो क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर बात की जाए फंक्शन क्लोजर ऑफ डक्टर आर्टरियोसिस कब होता है बच्चे, जस्ट आफ्टर बर्थ अकर 10 to 15 आवर, या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको जस्ट आफ्टर बर्थ, या ऑप्शन में मिलेगा बच्चे 5 आवर 10 आवर 15 आवर, तो प्रियोरिटी वाइज वहां पे आपको डाल देना, 5 को प्रियोरिटी दे देनी है, ठीक है बच्चे। फंक्शन क्लोजर पूछ ले तो जस्ट आफ्टर बर्थ होता है, इस बात को नोट कर लेना। एनाटोमिकल क्लोजर पूछ ले आपसे डॉक्टर आर्टरियोसिस का, तो 1 से 3 महीने पे जाके एनाटोमिकल क्लोज होता है बच्चे, क्वेश्चन बन रहा है फंक्शन क्लोज जस्ट आफ्टर बर्थ, जो ये ओपनिंग थी ये यहां पे बंद हो जाती है, ठीक है, जस्ट आफ्टर बर्थ एनाटॉमिकल क्लोज होती है, इसका मतलब यहां पे जो भी ओपनिंग थी वो अच्छी तरह से हीलिंग हो गई है, उसको बोलेंगे 1 से 3 मंथ। और जब आपको पता है, ठीक है बच्चे, इसका एक रिमेनेंट का भी क्वेश्चन बनता है, भी पीछे निशान क्या बन जाता है, ये तीनों क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पेटेंट डॉक्टर आर्टरियोसिस, डॉक्टर स्वेनोसिस और फोरामेन ओवल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, वो तीनों क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे इस तरह से, वी फाइंड आउट इन एक्सरे, ठीक है बच्चे, तो यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है व्हाइट एक्सरे आ रहा है, व्हाइट एक्सरे शो हो रहा है, इसका मतलब लंग्स के अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चे, फ्लूड कलेक्शन देखने को मिलता है। अगर एक्सरे ब्लैक शेडो का एक्सरे शो हो रहा है, इसका मतलब है लंग्स में क्या है बच्चे, एयर कलेक्शन है। प्लूरल इफ्यूजन किसको बोलते हैं, इफ इफ्यूजन इज मोर देन 250 ml, 250 ml से ज्यादा फ्लूड कलेक्शन है, पेराइटो विसरल लेयर है लंग्स की, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, उसको प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। नॉर्मल प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूड कितना होता है ये भी आप जान लेना बच्चे, नॉर्मल फ्लूड कलेक्शन इन प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी बच्चे लंग्स में देखने को मिलती है, लंग्स की जो पैराइटल लेयर और विसरल लेयर होती है उसके अंदर जो फ्लूड होता है उसको अपने क्या बोलते हैं बच्चे, नॉर्मली फ्लूड के नाम से जानते हैं, और कितना होता है बच्चे 30 to 50 ml होता है, जिनको सर्फेक्टेंट बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर्फेक्टेंट क्या होता है, तो किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है, जो लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता है, ठीक है, सर्फेक्टेंट होता है वो किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। प्लूरल कैविटी के अंदर नॉर्मल कितना फ्लूड होता है, 30 to 50 ml होता है। प्लूरल इफ्यूजन किसको बोलते हैं, आपको बोलेंगे 250 ml से ज्यादा है, और उस कंडीशन में थोरासिंथेसिस करना पड़ता है बच्चे, थोरासिंथेसिस
थोड़ा सेंटेसिस करना पड़ता है, एक्सेजिस जो फ्लूड होता है उसको अपने को क्या करना पड़ता है, रिमूव आउट करवाना होता है। तो देख लीजिए, प्लूरल इफ्यूजन मीन एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूड इन द प्लूरल कैविटी एंड फ्लूड फिल्ड स्पेस सराउंड द लंग्स। लंग्स के अंदर फ्लूड है, एक्सेसिव अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है, उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। बच्चे थोड़ा सा मैं आपको फास्ट यहाँ पे इसलिए करवा रहा हूँ, कुछ बच्चों का एग्जाम है अभी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, तो यहाँ पे उनका भी जल्दी जल्दी से क्या हो जाए, रिविजन हो जाए। और डेली क्लास को देखने के लिए आपको चैनल को लाइक कर देना है बच्चे, प्लस में सब्सक्राइब कर देना है, और आपके जितने भी निजी क्लासमेट फ्रेंड्स और आपके चाहने वाले हैं उनको सबको क्या कर देना है बच्चे, शेयर कर देना है। कर भला हो भला, आपका भी सिलेक्शन और औरों का भी अपने को क्या करवाना है, सिलेक्शन करवाना है। नॉर्मल क्वांटिटी पूछे प्लूरल फ्लूड की बच्चे 30 to 50 ml होती है, ठीक है। और ये नॉर्मल आपको दिख रहा है बच्चे, दो लेयर होती है लंग्स के अंदर, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये बाहर वाली है पैराइटल, अपने बोलेंगे उसको विसरल, और देख लीजिए यहाँ पे बाहर वाली है उसको बोलेंगे बच्चे पैराइटल, और अंदर वाली है उसको क्या बोलेंगे, विसरल। और दोनों के बीच में जो स्पेस देखने को मिल रहा है इस स्पेस को प्लूरल कैविटी बोलते हैं, जिसमें सीरस फ्लूड होता है और 30 से 50 ml होता है, ठीक है बच्चे। और नीचे की साइड में जो स्ट्रक्चर है डायफ्राम होता है, जो आपको नॉर्मली पता है भी काम क्या होता है डायफ्राम का, रेस्पिरेशन के अंदर नॉर्मली रोल प्ले करता है। न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होगा बच्चे, सो डार्क शेडो इन एक्सरे। एक्सरे के अंदर अगर कोई पर्सन न्यूमोथोरेक्स से सफर कर रहा है, अगर उसका एक्सरे आपके सामने आ जाए या आपसे इमेज में पूछ ले, तो क्या होगा, डार्क शेडो इन एक्सरे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चे, हाउ मेनी विलेज कम अंडर एट ब्लॉक लेवल। एक ब्लॉक लेवल के ऊपर कितने विलेज आते हैं बच्चे, अराउंड 100 आते हैं। पैनल डिस्कशन है कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे, पैनल डिस्कशन में कितने मेंबर होते हैं, आपका आंसर जाएगा 4 to 8। इसके अलावा इन्वॉल्व ए ग्रुप ऑफ पीपल गेदर टू डिस्कस ए टॉपिक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं, पैनल डिस्कशन, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये बच्चे शानदार कंटेंट के साथ आपका एपिसोड एंड हो रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास से अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है बच्चे। इसके अलावा अपने देखें थोड़ा सा हमारा जीनियर नर्सिंग एकेडमी ऐप के बारे में भी अगर आप जानना चाहो तो सुन सकते हो। डियर स्टूडेंट, अगर आपका एसएससी और एमएनएस का या डीएसएसबी का एग्जाम है तो एक बार हमारे ऐप का क्लास का विजिट जरूर करें, आपको वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो ऑल डाटा एग्जाम पैटर्न है। इसके ऊपर सीरीज की बात की जाए बच्चे, फोकस ऑन योर ड्रीम बैच हमारा जो आपको क्लासेज आपकी यूट्यूब पे भी मिल रही है, इसकी अगर पीडीएफ लेना चाहते हो आप तो मात्र 15 रुपये इसका प्राइस रहेगा। अर्जुन सीरीज है बच्चे हमारी, अगर इसकी वीडियो प्लस पीडीएफ लेना चाहते हैं प्रैक्टिकल बेस के ऊपर, यहाँ पे ये ऑल ओवर क्वेश्चन इसके अंदर करवाए जा रहे हैं, 299 रुपये इस बैच का चार्ज रहेगा बच्चे। इसके अलावा गुरुकुल बैच हमारा जो कि थ्योरी बेस्ड बैच है, ओनली 499 रुपये के अंदर है, जिसके अंदर आपको इस बैच में अर्जुन सीरीज और फोकस बैच फ्री मिलेगा, अगर आप जो 499 वाला बैच लेते हैं बच्चे। और ऐप का लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, वहां से ऐप वो डाउनलोड करके आप स्टोर का ऑप्शन है उसके अंदर जाके इन बैच को बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो सीरीज के ऊपर आपको नंबर विजुलाइज हो रहे हैं 7976767854, उसके ऊपर आप कमेंट करके या कॉल करके विनोद सर से भी आप ऐप का लिंक का वो मंगा सकते हैं। आज की क्लास को अपने यहीं पे फिनिश करते हैं, शानदार कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।